सो एप्पल का एक लेटेस्ट इवेंट हुआ है और हमने पूरा देखा और उसमें से जो जो मेन चीजें हैं वो मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। सो एप्पल का जो दिखाने का स्टाइल था, हालांकि ये एक इंट्रो इवेंट था जो कि इसको दिखाने का जो तरीका था बहुत ही अच्छा था, मुझे काफी अच्छा लगा। बिल्कुल जो ग्राफिक्स और एडिटिंग बहुत ही टॉप क्लास थी। सो मैं स्पॉयलर्स पहले ही दे देता हूँ कि आईफोन लॉन्च नहीं हुआ है, उसकी कोई भी रिलीज नहीं हुई है और चार पांच प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको लॉन्च किया गया है, उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करते हैं। सो पहला प्रोडक्ट ये है कि जो एप्पल की जो वॉच है सीरीज 6 उसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया है और जितने भी लोग एप्पल वॉचेस को यूज़ करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है और इसमें बताया कि कार्डियो वगैरह ठीक कर देता है, मतलब आपकी जान की सुरक्षा कर देता है और इसमें एक हैंड वॉश का एक फीचर जो है वो दिया गया है और इसका जो रेड वाला प्रोडक्ट है उससे जितना भी कलेक्शन होता है वो सारा एप्पल डोनेट कर देता है जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। नेक्स्ट एक ये चीज है जो मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी और बहुत ही अच्छी लगी, वो ये है कि इसके अंदर जो आपके ब्लड के अंदर जितना भी ऑक्सीजन लेवल होगा वो आपको ये 15 सेकंड्स के अंदर बता देगा। सो बेसिकली होगा ये कि इसके अंदर से कुछ इंफ्रारेड रेज निकलेंगी और फिर वो बैक साइड पे टच करके और उससे फिर जितनी लाइट रिफ्लेक्ट होगी फिर उसको कुछ एडवांस एल्गोरिदम लगा के फिर ये आपकी जो ब्लड में जो ऑक्सीजन कैपेसिटी वो आपको बता देगा, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है और कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, बहुत ज़्यादा सही है। और इसके अंदर और भी बहुत सारे मल्टीपल चेंजेस हुए हैं, जैसे कि इसका जो प्रोसेसर है वो 20% ज़्यादा फास्टर हो गया और इसका जो स्क्रीन है वो 2.5 टाइम्स ज़्यादा ब्राइटर हो गई है, मतलब रोशनियाँ फुल तरीके से फैलाई जा रही हैं। और इसके अंदर जो एलिवेशन वाला एक फीचर वो दे दिया गया है कि आप जितनी हाइट ऊपर नीचे चढ़ोगे, मतलब पहाड़ों पर चढ़ गए तो वहाँ का एलिवेशन बताएगा कि आप इतने फीट ऊपर हो, पानी के अंदर चले गए तो आपको बताएगा कि आप इतने नीचे हो। सो पूरा एलिवेशन वाला जो हाइट वाला पूरा सीन है वो ये बिल्कुल अच्छे से बताएगा आपको। और एक और फीचर जो मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा वो है इसका मीमोजी, मतलब अपने फेस का इमोजी बना सकते हो जो कि काफी ज्यादा अच्छा है, मतलब फीचर लगता है। और इसके लिए इस पूरी वॉच के लिए आपको देने पड़ते हैं $400 और इंडियन करेंसी में अगर बदले तो ये हो जाता है 41,000 रुपीज, मतलब इसमें आपको अपनी शक्ल दिखेगी, चाहे आप रो रहे हो तब भी आप अपनी शक्ल को देख के हंस सकते हो क्योंकि उसके अंदर आपकी शक्ल होगी, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा है। और नेक्स्ट जो एक प्रोडक्ट है उसका नाम है एप्पल वॉच SE। ये जो वॉच है ये बिल्कुल सिमिलर है सीरीज 6 से और इसके अंदर S5 की चिप लगी है और इसके लिए देने पड़ते हैं आपको $279 और इंडिया में आके ये और ज्यादा महंगा हो जाएगा अगर आप इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे। और इसके अंदर जो जितना भी मटेरियल लगा है वो सारा रिसाइकल्ड मटेरियल लगा है, मतलब वो सारा रिसाइकिल हो जाएगा और इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं लगी है जो मरकरी और जो रिसाइकिल ना हो पाए। और एप्पल ने एक चीज़ ये भी कहा है कि 2030 तक वो बिल्कुल अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बिल्कुल कार्बन फ्री बनाना चाहता है और बिल्कुल न्यूट्रल बनाना चाहता है जिससे वो 100% रिसाइकेबल रहे। सो एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जो एप्पल है वो अपने फ़ोन से तो पैसा कमाता ही है, प्लस उसकी जो सर्विसेज हैं उससे वो एक चंक में पैसा कमाता है, बहुत बल्क में कमाता है। मतलब इंसान एक टाइम के लिए एक फ़ोन तो खरीद लेगा बट वो सर्विसेज के लिए वो उसका लाइफ टाइम एक मेंबर बन गया है, मतलब वो अपनी ज़िंदगी भर उस प्रोडक्ट को खरीदेगा और उससे फिर लाइफ टाइम एप्पल को प्रॉफिट होगा। सो इसी को एक चीज़ देखते हुए हम अपने थर्ड प्रोडक्ट पे बढ़ते हैं। सो तीसरा प्रोडक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है एप्पल वन। सो इसके अंदर क्या होगा कि जितने भी एप्पल की सर्विसेज होती हैं जैसे कि उसका म्यूजिक हो गया, आई क्लाउड हो गया, न्यूज़ हो गया, फिटनेस वाला हो गया, ये सारे मिला के इंडिविजुअली उसका एक पैक बनाया गया है। सो अगर आप इंडिविजुअल पर्सन हो देन आपको ₹200 देने पड़ेंगे पर मंथ इंडिया के अंदर पर पर्सन सिंगल पर्सन, और अगर आप इसका फैमिली पैक लेते हो और 5% के लिए है सो इसका जो प्राइस है वो है ₹365 पर मंथ, जो कि एक वैल्यू फॉर मनी चीज़ है। सो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। सो आईपैड का जो है 10th बर्थडे है, मतलब 10वां बर्थडे है उसका, तो हैप्पी बर्थडे आईपैड। और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी आईपैड एयर के अंदर, और सबसे पहले हम बात करते हैं आईपैड 8 के अंदर क्योंकि वो भी रिलीज़ होगा। सो इसके अंदर क्या है कि A12 की बायोनिक चिप लगी है और जो नॉर्मल आईपैड होता है उससे थोड़ा सा मतलब स्मॉल है और लाइट वेट है जैसे कि एयर होता है। सो ये चीज़ बताई गई है कि इसके अंदर A12 की चिप लगी है और इसका जो प्रीवियस वर्जन है उससे ये 10% ज़्यादा फास्टर है और 2 times ज़्यादा फास्टर ग्राफिक कार्ड है और ये थिन है, लाइट वेट है और इसके अंदर आपको कीबोर्ड देखने को मिल जाएगा जो उनका मैजिक कीबोर्ड होता है और जो एप्पल की पेंसिल होती है वो भी इसके अंदर परफेक्टली वर्क करेगी। और भी इसके अंदर छोटे छोटे माइन्यूट चेंजेस किए गए हैं और इसमें iOS OS 14 का अपडेट देखने को मिल जाएगा और इसका जो प्राइस रखा गया है वो है $329, जो कि एक
इस प्राइस रेंज के अंदर अगर एप्पल को देखें तो एक अफोर्डेबल चीज है। और अब हम उस प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि मुझे सबसे ज्यादा पर्सनली अच्छा लगा, वो है आईपैड एयर। और इसके अंदर काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो H2S डिस्प्ले है और ये 5 कलर्स के अंदर अवेलेबल है जो कि बिल्कुल रंगीनिया फैलाए है, और 10.9 इंच की डिस्प्ले है जिसको हम बोल सकते हैं 11 इंच के आसपास। और इसका जो रेजोल्यूशन है काफी बड़ा है, इसके अंदर 2360x1460 की जो रेजोल्यूशन है वो देखने को मिलेगा, उतने पिक्सल्स का आपको रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा जो कि एक काफी इंप्रेसिव नंबर और काफी अच्छा डिस्प्ले माना जाता है। और जिस चीज के लिए मैं बिल्कुल पागल हूँ वो ये है कि इसके अंदर जो चिप लगी है वो है एप्पल की A14 चिप A14 चिप लगी है जो कि iPad Pro में लगी है। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि iPad Pro इसका एक बहुत ही अपर वेरिएंट है और इसके जो बेस वर्जन है उसके अंदर उससे ज़्यादा बेटर प्रोसेसर या चिप लगी हुई है। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि ऐसा होता है कि कंपनीज जो होती हैं जो अपने फ्लैगशिप वाले फ़ोन होते हैं उनके अंदर सारी चीज़ें भर देती हैं, बट जो उनके मिड रेंज वाले फ़ोन होते हैं उनमें वो थोड़ी चीज़ें कट ऑफ कर देती हैं जिससे वो फ्लैगशिप से थोड़ा डिफर दिखें। बट एप्पल ने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की है कि उसने iPad Air के अंदर A14 की चिप लगाई है। सो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। तो इसी वजह से इसके अंदर 40% का फास्टर CPU देखने को मिलेगा और 30% तक फास्टर GPU देखने को मिलेगा। और ये बिल्कुल सेम प्रोसेसर है जो कि iPhone 12 में भी यूज किया जाएगा। हेक्साकोर प्रोसेसर और क्वाड कोर GPU आपको इसके अंदर देखने को मिलता है जिससे ये जो एक पूरा iPad Air है एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है, एक मशीन पूरी बन जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगी। और इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं कि जो iPad Pro है उसके जो एसेसरीज है वो इसमें थोड़ी बहुत घटा दी गई हो जिससे इसके अंदर वाली चिप दे दी गई हो बढ़िया वाली, सो ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर आपको सारी वो सारी एसेसरीज देखने को मिलेंगी जो आपको iPad Pro में देखने को मिलती हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया और जैसे उसका Apple Pencil हो गया, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। और वो जो चार्जर होता है वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। और इसकी प्राइस रखी गई है $600 जो कि काफ़ी अच्छी प्राइस रेंज है अगर हम एप्पल को देखें और एप्पल के हिसाब से देखें देन ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल चीज़ बन जाती है। और iOS 14 का जो अपडेट है वो भी आ चुका है, सो अगर आप यूज़ करते हो आईफोन देन आप इसको अपडेट कर सकते हो। सो इवेंट उतना कुछ खास नहीं था मगर जिस तरह से डिस्प्ले किया था कि लग रहा था पता नहीं क्या चीज़ कर दी, मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या चीज़ होती जा रही। बट इवेंट उतना खास नहीं था जितना सोच रहे थे लोग, जितना एक हाइप क्रिएट थी कि ऐसा कुछ इवेंट होगा, सो उतना तो कुछ नहीं हुआ। बट हाँ ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा इवेंट था। सो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को ऐसे ही फ्यूचर अपडेट्स के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much and bye.